Good morning everyone. In today class we will discuss about water cycle. कि water cycle है क्या? Water cycle एक cycle है in which there will be transfer of water between earth and atmosphere. Right? Listen it properly. It is a cycle which take place in nature. In this cycle, there will be circulation of water from earth to the atmosphere and from atmosphere to the earth. So, एक क्या चलता है? Circle में जो है एक cycle चलती रहती है. Right? अभी हम करते हैं इसको explain. सबसे पहले समझो हुआ क्या है. देखो यहाँ पर ये सारा क्या दिखा रखा है? वाटर दिखा रखा है. ठीक है, ये क्या दिखा रखी है? रिवर दिखा रखी है. दिस इज ए रिवर. ये क्या है? यहाँ पर रिवर है. और ये क्या है? ये एक ग्लेशियर दिखा दिया है. ग्लेशियर्स जो है एक बर्फ का क्या है? पहाड़ है. ठीक है, और ये क्या दिखा दिया? ये अपना दिखा दिया है ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड में क्या है? वाटर है. और ये दिखा दिए अपनी पेड़ पौधे. राइट? तो अब ये क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं हुआ क्या. ध्यान से सुनिए, दिन के समय पे सन की जो हीट है उसने रिवर के वाटर को, ठीक है, किस में कन्वर्ट कर दिया? वाटर वेपर में कन्वर्ट कर दिया. अब ये वाटर वेपर क्या होंगे? वाटर जो वेपर हैं ये धीरे धीरे कहाँ जाएंगे? अप साइड जाएंगे एटमॉस्फेयर में. तो वाटर वेपर कहाँ पर गए? अप साइड में गए. राइट? सन की हीट की वजह से जो रिवर है, जो सी है, ओशियन है, उसका वाटर क्या हो गया? हीट हो गया है, गर्म हो गया है. और धीरे धीरे वो वाटर वेपर में चेंज होना क्या हो जाएगा? स्टार्ट. और वाटर का, वाटर वेपर में चेंज होने का प्रोसेस कहलाता है ईवेपोरेशन. राइट? अब ईवेपोरेशन हो गया, ये वाटर जो वेपर्स हैं दे आर गोइंग अप साइड. कहाँ जा रहे हैं? अप साइड जा रहे हैं. जब ये अप साइड जाएंगे, अप साइड टेम्परेचर कैसा है? अप साइड टेम्परेचर है लो. ठीक है, अपसाइड कैसा टेम्परेचर है? लो टेम्परेचर है. जैसे जैसे ये ऊपर जाएंगे तो ये जब ठंडा इनको टेम्परेचर मिलेगा तो ये दोबारा से वाटर में क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे. आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. नाउ सी हेयर, अब देखते हैं. ठीक है, ईवेपोरेशन हो गया है वाटर का. और वाटर कहाँ? वाटर का ईवेपोरेशन होने के बाद वाटर किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर वेपर में. और ये वाटर वेपर कहाँ जा रहे हैं? अपसाइड. अपसाइड ये दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? दे विल कन्वर्ट इनटू टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर. ठीक है, और ये ड्रॉपलेट ऑफ वाटर टुगेदर मिलके क्या बनाएंगी? दे विल फॉर्म ए क्लाउड. क्या बना दिया इन्होंने? क्लाउड बना दिया है. ठीक है, जब ये क्लाउड जो है ये क्या हो जाएगा? हैवी हो जाएगा. तो ये वाटर की जो ड्रॉपलेट्स हैं दे विल कम डाउन ऑन द अर्थ. किसकी फॉर्म में आएगी? या तो आएगी रेन की फॉर्म में या आएगी स्नो की फॉर्म में. राइट? या तो रेन की फॉर्म में आई या किसकी फॉर्म में आई? स्नो की फॉर्म में. कहाँ पे आ गई? डाउन द अर्थ आ गई. अब देखो दोबारा से इस पानी, इस जो रिवर है इसमें पानी का लेवल क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है. तो आपने देखा नीचे से पानी कहाँ गया? अपसाइड गया. अपसाइड से पानी कहाँ आया? नीचे आया. तो ऐसे करके बन गई एक साइकिल. राइट? अब देखो यहाँ पे जब ये रेन या स्नो डाउन आती है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन. व्हाट वी कॉल इट? प्रेसिपिटेशन. इसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन. राइट?
और जो ये वाटर वेपर्स थे, ये किस में कन्वर्ट हो गए थे? दे कन्वर्ट इनटू वाटर अपसाइड. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन. राइट. तो हमने तीन चीज़ें पढ़ी यहाँ पे. ईवेपोरेशन का मतलब होता है वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना. सेकंड है कंडेंसेशन, इसका मीनिंग होता है वाटर वेपर्स का वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होना. प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है इन वाटर ड्रॉपलेट्स का डाउन आना इन फॉर्म ऑफ रेन एंड स्नो. सो ऐसे करके चलती है एक ये प्रोसेस. अभी यहाँ पे दो तीन पॉइंट और हैं. ये तो हुआ ये रोल. अब देखो, जब ये आइस भी मेल्ट हो रही है, ये आइस क्यों मेल्ट होगी? ये आइस मेल्ट हो रही है सन की रेडिएशंस की वजह से. राइट. तो ये जब आइस मेल्ट होगी किस में कन्वर्ट होगी? वाटर में. और वाटर का क्या होगा? ईवेपोरेशन. अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिए. यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है जो ये लीफ हैं, चलो मैं इसको ड्रॉ करती हूँ ग्रीन पेन से. ये जो लीव है, ठीक है, ये एक लीव है, इसकी सरफेस में प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे से होल जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमेटास. व्हाट वी आर सेइंग दैट स्ट्रोमेटा. स्ट्रोमेटास आर द टाइनी पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ ए लीव. होता क्या है, इस सरफेस से, इन पोर से वाटर जो है वाटर वेपर की फॉर्म में क्या आता है? बाहर आता है. और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन. लॉस ऑफ वाटर. लीव से वाटर कहाँ आ गया? बाहर आ गया है इन फॉर्म ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. सो फिर से बोल रही हूँ, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव थ्रू द स्टोमेटा इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. जब ये ट्रांसपीरेशन होगा तो अगेन वाटर कहाँ जाएगा? अपसाइड जाएगा. राइट. और वही सेम प्रोसेस होगी जो हुई थी वाटर वेपर जो किससे बने थे? रिवर वाटर से बने थे. तो ऐसे करके चलती है एक साइकिल. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा बेटा. राइट.